रायपुर से अब खबर, जहां कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कई विधायक पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। इसके अलावा राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध भी ये करने वाले हैं। तो कई नेता पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कई विधायक पहले से ही दिल्ली में मौजूद है, जो कि कल प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। तस्वीरें हमने देखी थी और आपको भी दिखाई थी किस तरीके से तस्वीरें जो है वहां पर प्रदर्शन की देखने को मिली थी। लगातार विरोध जो है वो दर्ज किया गया था। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध भी आज करने वाले हैं, तो विरोध लगातार जारी है। कल भी विरोध किया गया, इसके अलावा दो दिन पहले भी विरोध हमने देखा। कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध चल रहा है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, लगातार विधायक कांग्रेस के पहुंच रहे हैं दिल्ली, आज तो गृहमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। सुप्रिया, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कई विधायक पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद हैं, कल की तस्वीरें हमने दिखाई। वहीं तो चलिए सुप्रिया जुड़ गई हैं। सुप्रिया, पहले से कई विधायक दिल्ली में मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं कांग्रेस के, और आज फिर से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू वहां पर पहुंचने वाले हैं, और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचेंगे उनके साथ? तमाम जो विधायक और मंत्री साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद है और इसी के खिलाफ में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका निश्चित है तमाम जो विधायक मंत्री जो दिल्ली जा रहे हैं उनका ये यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और इस वजह से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। और परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष की आवाज उठाते रहे हैं, विपक्ष के एक मुखर नेता वो रही हैं और तमाम जो विपक्ष के रूप में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे हैं केंद्र के खिलाफ, जिसे केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस वजह से राहुल गांधी से बिल्कुल बिल्कुल। और कल की तस्वीरें भी हमने देखी, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए थे, जब राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी। लेकिन 23 जून को ईडी ने तलब किया है सोनिया गांधी को और उसके बाद उनसे पूछताछ होने वाली है। हालांकि किस तरीके से विरोध कांग्रेस दर्ज करवाएगी वो हालांकि देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया।